गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए तो अब हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, दैट इज योर मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पर आधारित क्वेश्चंस। मार्क प्राइस बेस्ड क्वेश्चंस की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो आपको भी पता है कि यहाँ पर DI जो हमारे 5 मार्क्स की या 5 से ज़्यादा मार्क्स की हमें जो मेन्स में देखने के मिलती है, कोई कोई क्वेश्चन आपको भी पता है 2 मार्क्स का पूछ लेता है, तो मोर देन 5 भी हो जाते हैं, 5 क्वेश्चंस रहेंगे बट वो उसके मार्क्स मोर देन 5 हो जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, वहाँ पर अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आता है तो 99% प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मार्क प्राइस से ज़रूर कनेक्टेड होगा। आपको भी पता है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की जब जब बात होगी तब तब मार्क प्राइस वाले क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और ये हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर हम बोलें तो हमारे चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो 1 by 1 क्वेश्चंस को समझेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैं 2 तरीके से आपके मार्क प्राइस वाले क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा। आज के सेशन में हम मार्क प्राइस वाले क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, अगले सेशन में हम DI करेंगे, मार्क प्राइस से रिलेटेड DI जितनी भी हमें प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिली हम उनको देखेंगे कि कितना ईजी वे से कर सकते थे। तो सबसे पहले हम आज अपने कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे, जो क्वेश्चंस हमें एज इट इज़ भी देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टार्ट किया जाए बच्चों, पहला क्वेश्चन कंप्यूटर जी लाया जाए जरा। हाँ जी बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, ए मैन इंक्रीज कॉस्ट प्राइस बाय 40%। कोई व्यक्ति, हिंदी में मैं आपको समझाए दे रहा हूँ, कोई व्यक्ति अगर क्रय मूल्य को 40% बढ़ा दे और मेक्स इट एज मार्क प्राइस और इसे अंकित मूल्य बना दे, तो परसेंट डिस्काउंट बताइए जिससे हमें 5% का ओवरऑल फायदा हो। क्वेश्चन काफी आसान है मुझे पता है, मैं इसमें आपको बस कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, अगला क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लेवल उठने लगेंगे। तो पहले में है हमसे कह रहा है कि CP को 40% बढ़ा के MP बना दिया, तो बच्चों अगर मैं कॉस्ट प्राइस मानूं तो परसेंटेज से अगर करेंगे तो परसेंटेज में कुछ भी एज्यूम करना होता है, कितना एज्यूम करते हैं 100। अब कह रहा है CP हमने मान लिया 100, CP 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर हम कोई डेटा 100 से स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए एक स्टेप ओरल होता है। एक स्टेप ओरल कैसे, मैंने कहा इस मार्कर का रेट अगर 100 रुपीज़ है, इसे 120 में बेचें तो कितने का फ़ायदा होगा, आप बोलेंगे 20%। मैंने कहा इस मार्कर का रेट 120 है, अगर इसे 100 में बेचें तो कितने का लॉस होगा, आप बोलोगे 20%। जितने को पता नहीं है वो बोलेंगे 20%, जो गलत होगा। 120 का सामान 100 में बेचा तो 20 रुपए का तो घाटा हुआ, 20 का लॉस, बट किसके रिस्पेक्ट में, 120 के रिस्पेक्ट में, तो 20/120 × 100 आंसर होगा, और वो क्या होगा, वो 20% नहीं होगा, 1/6 यानी 16/3% होगा। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हमने डेटा जैसे ही 120 स्टार्टिंग में लिया तो हम ओरल नहीं बोल पाए, बट हमने 100 लिया था ओरल बोल रहे थे, हाँ तो हम इसीलिए 100 स्टार्टिंग से लेते हैं, एक स्टेप कम से कम ओरल चले जाएं। कह रहा है CP को 40% बढ़ा के MP बना दिया, आसान सा क्वेश्चन है, CP को 40% बढ़ाया तो 100 का सामान 140 हो गया, एग्री। अब कह रहा है कितने परसेंट का डिस्काउंट दे कि 5% का प्रॉफिट हो, यानी 100 पे 5 का फायदा। हमेशा प्रॉफिट किस पर होता है, CP पर। हमेशा प्रॉफिट किस पर होता है, CP पर। हमेशा डिस्काउंट किस पे देते हैं, MP पर। दो कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, समझ लीजिए, CP पर प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट या लॉस किसके रिस्पेक्ट में, CP के, और डिस्काउंट किसके रिस्पेक्ट में, MP के। डिस्काउंट ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है, जो भी हम रेट बढ़ा करके लिख देते हैं, सपोज आपने ये मार्कर आपको पढ़ा 100 का, इसको हमने बढ़ा के 120 प्रिंट मार दिया, दैट इज योर मार्क प्राइस 120, ठीक है। तो जो बढ़ा के लिखेंगे उसी पे तो छूट देंगे, 100 का पढ़ा था तो क्या इस पे छूट देने लगेंगे क्या, नहीं। तो डिस्काउंट ऑलवेज गिवन ऑन MP, याद हो गया। तो समझिए अब कह रहा कितने परसेंट का डिस्काउंट देके 5% का ओवरऑल फायदा, 100 का सामान 105 में बिक जाए। अब बताइए 100 वाला 105 में बेचना है तो 5% का प्रॉफिट होगा, एग्री। अब हमसे पूछ रहा था डिस्काउंट बताइए, तो 140 जो प्रिंटेड था उसे आपने बेचा है 105 में, एग्री हैं आप। 140 वाले सामान को 105 में कितना डिस्काउंट दिया है, 35 रुपए का, 35 का आउट ऑफ कितना, 140 × 100 क्यों, परसेंट में चेंज करने के लिए, कितने टाइम्स 4 = 25, यानी ओवरऑल डिस्काउंट कितना देंगे हम, 25% आंसर होगा। पहला तरीका तो बच्चों ये हुआ, ये तो बहुत आसान सा है,
इसीलिए इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अब दूसरा, अगर हम इसे रेशियो से करते, रेशियो से समझिए, रेशियो से क्यों कर रहे हैं, अगर यहाँ पर 40% है, 5% है, हम इजीली लिख ले रहे हैं। अगर यहीं पे होता कि 47 होल 1/2% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 33 होल 1/3% का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 16 होल 2/3% का डिस्काउंट दे तो कितना प्रॉफिट होगा, समथिंग लाइक दैट। अगर हमारे नंबर्स फ्रैक्शन में चलने लगते हैं तो हम रेशियो कॉन्सेप्ट को अगर यूज करते हैं तो हमारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। तो समझिए जरा, कह क्या रहा है, कह रहा है कि अगर सीपी को 40% बढ़ा दें तो ये एमपी बन जाएगा। व्हाट इज योर 40%? 40% कितना होता है बच्चों? 40% इज योर 2/5, 40/100, 40/100 का मतलब 2/5, यानी 5/2 बढ़ा दें, 5/2 बढ़ा दें तो 5 का सामान 7 प्रिंट कर दें। एग्री हो? 5 का जो आपको पढ़ रहा था, 40% बढ़ा दिया, 5/2 बढ़ा दिया, यानी 5 वाले सामान पे आपने बढ़ा करके कितना लिख दिया, 2 बढ़ा के 7 लिख दिया। एग्री? अब कह रहा है कि कितना डिस्काउंट दे दें कि 5% का प्रॉफिट हो जाए। अच्छा, 5% कितना होता है बच्चों? 5% 5/100, 1/20, 1/20, यानी 20 पे 1 का फायदा चाहिए, 20 पे 1 का फायदा चाहिए। यानी अगर आपके लिए सीपी 20 रुपए हो तो एसपी कितना बन जाए? 21, 20 पे 1 का फायदा हो गया, सही है। अब सेम आर्टिकल है, दो जगह सीपी लिखा हुआ है, दोनों जगह सीपी अलग अलग लिखा है, तो सेम बना लेंगे। यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एग्री है? अब देखिए, सीपी 20 हो गया, दोनों को कनेक्ट करा दिया, सीपी को हटा सकते हो। एमपी आपके लिए कितना है बच्चों? 28, 7 × 4, एमपी की वैल्यू है 28 और एसपी की वैल्यू है 21। 28 के सामान को 21 में अगर आप बेचोगे तो कितना छूट दोगे? 7 की, किसके रिस्पेक्ट में? एमपी के, 28 के, इंटू 100 क्यों, परसेंट में चेंज करने के लिए। देखिए यहाँ से भी कितना आया? 25%। एग्री? अब इससे क्या होगा बच्चों, इससे हमें कोई भी नंबर दिया होता, हम उसकी रेशियो वैल्यू अगर लिख लेते तो हम ऐसे जब बनाते तो काफ़ी ईजी हो जाता। आपको अगला क्वेश्चन समझ में आएगा कि रेशियो मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए जरा। हाँ जी, देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, अगर एक आदमी सीपी को बढ़ा दे कितने परसेंट? 22 होल 2/9% और इसे बना दे मार्क प्राइस। तो कह रहा कितने परसेंट का डिस्काउंट दें कि गेन 6 होल 2/3%। देखिए पूरे के पूरे नंबर्स आपके किस में चल रहे हैं? यहाँ पर फ्रैक्शन में चल रहे हैं। तो कैसे करेंगे? सीपी और एमपी, आंसर बोलिए आप लोग। पहली बात तो कि 22 होल 2/9% की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 22 होल 2/9% की वैल्यू 11 होल 1/9% का डबल लिखा हुआ है। 11 होल 1/9% इज योर 1/9, तो उसका डबल लिखा हुआ है तो 2/9 होगा। एग्री? अगर आपको सपोज नहीं आता है तो 22 × 9 = 198 + 2, यानी 200/9%, परसेंट हटाओगे तो नीचे डबल जीरो हो जाएगा, 200/900, यानी 2/9। एग्री? तो वैसे तो याद रखना होता है, तो समझिए। अब मैंने क्या कहा कि सीपी को 22 होल 2/9% बढ़ा करके एमपी बना दिया गया, सही है। तो 9 पे अगर 2 बढ़ा दिया, यानी 9 के सामान पे 11 लिख दिया, 2 बढ़ा दिया। एग्री? तो आगे कह रहा है कितना डिस्काउंट दें कि हमें 6 होल 2/3% का प्रॉफिट हो। हमें प्रॉफिट कितने का चाहिए बच्चों? 6 होल 2/3%। एग्री हो आप? 6 होल 2/3% कितना होता है? 1/15। वैसे तो याद होना चाहिए, नहीं याद है तो 18 × 2 = 20, 20/300 क्यों हो गया? क्योंकि परसेंट हटेगा तो नीचे डबल जीरो आएगा, 20/300 का मतलब 1/15, 1/15, सही है। यानी 15 पर 1 का प्रॉफिट हो, यानी अगर आप देखो तो सीपी और एसपी लिखो तो 15 का सामान 1 प्रॉफिट के साथ बिके, यानी 16 में बिके। एग्री हो? अभी आगे देखें, आगे देखो बच्चों, इतना समझिएगा बहुत अच्छे से। अभी क्या कह रहा है? अब कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि हम कितना डिस्काउंट दे दें। दो जगह सीपी है, वही आर्टिकल है, सेम होगा, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ 15, अगर एलसीएम ले तो 90 आएगा, तो 9 में 10 से मल्टीप्लाई, 15 में 6 से। एग्री? 90 हो गया, तो यहाँ 6 से किया तो इसमें भी कर दीजिए, यहाँ 10 से किया तो इसमें भी कर दीजिए। अरे 90 वाला 99 में प्रिंट कर दिया, जैसे 9 वाला 11, तो अगर 90 होता तो कितना? 110 प्रिंट कर देते। एग्री हो? तो अब देखो, सीपी यहाँ भी 90, सीपी यहाँ भी 90, सीपी इक्वल हो गया तो एमपी और एसपी कनेक्ट हो गए। ये कितना है बच्चों? 110, और एसपी कितना है?
96, 110 वाले सामान को जिस पे प्रिंटेड था 110, आपने बेच दिया है उसे कितने में? 96 में। जरा देखें तो कितने की हमने छूट दी है बच्चों, कितने की छूट दी है? 4, 10, 4, 14, 14 की छूट। किसके रिस्पेक्ट में? 100, 10 के रिस्पेक्ट में। इनटू 100 हमारा क्यों आता है? परसेंट में चेंज करने के लिए। यानी व्हाट विल बी रिजल्ट? 140/11%। इजी है, 140/11% का मतलब कौन सा आ जाएगा? 11 से एक बार, सही है, 30, 11 से दो बार, 22, 8 बज जाएगा, 12 whole 8/11%, 12 whole 8/11% इज योर ऑप्शन ए। इजी है कि नहीं? अगर आप इसको किससे करते, परसेंटेज से करते, तो आपके लिए थोड़े से कैलकुलेशन टफ हो जाती। होप के आप समझ पा रहे होंगे कि परसेंटेज और रेशियो दोनों क्यों हमें आना चाहिए। नेक्स्ट पर चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत जगह पे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। देखिए, आफ्टर गिविंग 5% डिस्काउंट 14% प्रॉफिट अकर्स, इफ 6 whole 2/3% डिस्काउंट विल बी गिवन, देन व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंट? 5% की छूट देने पर 14% का लाभ होता है। यदि छूट 6/2/3% कर दी जाए तो लाभ कितने प्रतिशत होगा? अगेन आई एम रिपीटिंग, 5% की छूट देने पर 14% का लाभ होता है, तो यदि हम छूट 6/2/3% कर दें, देन लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसको फिर से रेशियो से करिए जरा, या परसेंटेज से करिए, आप चाहे जिससे करना है मुझे आंसर बताइए। देखिए, 5% डिस्काउंट देने पर 14% का प्रॉफिट होता है, तो अगर हम इसको रेशियो से करें तो समझिए, 5% डिस्काउंट देते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5%? 5% इज योर 1/20, 5/100, 5/100 यानी 1/20। एंड व्हाट इज योर 14%? 14% 14/100, 14/100 का मतलब 7/50, 7/50, 14/100 एक ही बार कटेगा 2 से, एग्री? अब कह रहा है 5% की छूट देते हैं, छूट किस पे? हमेशा एमपी पे देते हैं, यानी 20 पर 1 की छूट। 5% डिस्काउंट दे रहे हो ना, तो 20 पे 1 की छूट, यानी 20 का सामान 19 में सेल करोगे, एग्री? सही है, 14% का प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। 14% की वैल्यू यानी 50 पे 7 का प्रॉफिट, यानी सीपी अगर आपका 50 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 57, 50 पे 7 का प्रॉफिट। देखिए ध्यान से, मैंने जो टर्म्स बोले थे ना, प्रॉफिट हमेशा, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे होता है, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे देते हैं, तो ये डिस्काउंट था तो एमपी पे दिया 20 पे 1 का, यानी 20 का सामान 19। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हमेशा, प्रॉफिट या लॉस सीपी पे होता है, तो 50 पे 7 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो 50 वाला सामान 7 बढ़ के बिक रहा है, यानी 57 में बिक रहा है, एग्री हो? अच्छा बताओ, एसपी दोनों में कॉमन है ना, एसपी दोनों में कॉमन है, तो सेम होगा, यहाँ पे 57, यहाँ 19, तो यहाँ किससे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया हमने, एग्री? क्यों किया है समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ 57 था, यहाँ 19 था, कर दिया। अभी ये बताओ बच्चों, अब कह रहा है कि अगर 6/2/3%, ध्यान से समझिए, आपके लिए एमपी कितना है अब? 60 है, एमपी कितना है? 60 है, एमपी कितना है? 60, एसपी आपका 57, 57 कनेक्टेड है, और सीपी कितना है? 50 है, सीपी 50 है, और एमपी 60 है। एसपी तो दोनों को कनेक्ट करके हट ही जाएगा, जब दो दो को कनेक्ट करने आया था तो कनेक्ट करके हट गया, अब सीपी और एमपी पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा कह रहा है अगर 6/2/3% का डिस्काउंट है, 6 whole 2/3% कितना होता है बच्चों? 1/15, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, 6 × 3 = 18, 2 = 20, 20/300 का मतलब 1/15। अच्छा बताइए, 1/15 है अगर, तो 1/15 का डिस्काउंट देना है, 1/15 का डिस्काउंट किस पे देंगे? एमपी पे देंगे, एमपी कितना था आपके लिए? 60 था, 60 पे अगर 60 का 1/15 निकालो तो कितना आएगा? 4, यानी 4 का डिस्काउंट दोगे 60 पे, तो एसपी नया वाला कितना आ जाएगा बताओ? 60 पे 4 का तो 56 आ जाएगा। 50 के सामान को आपने 56 में बेचा, 50 के सामान को 56 में बेचा तो कितना फ़ायदा हुआ? 6 रुपए का, किसके रिस्पेक्ट में? 50 के × 100, 50 के, तो कितना आ जाएगा? 12%। वैसे भी दिख रहा था 50 वाला 56, यानी 100 वाला 112, यानी 12% आंसर। तो होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, हमने किया क्या है, 5% का जब डिस्काउंट देते हैं तो हमें 14% का प्रॉफिट होता है, 6 whole 2/3% का डिस्काउंट देने पर हमें प्रॉफिट क्या होगा? इसको अगर हम किससे करते, परसेंटेज से करते, तो कैसे करते, समझिए जरा।
5% का डिस्काउंट, डिस्काउंट हम एमपी पे देते हैं, एमपी पे 5% डिस्काउंट दे दिया तो 95% पे बेचेंगे। अरे 5% छूट कर दी ना, 5% छूट कर दी तो 95% में बेचेंगे, 95% यानी 95% ऐसे ही तो लिखेंगे, तो हमें फायदा होता है कितना 14% का। सीपी को अगर मैं 100 मानता तो 14% का फायदा होता यानी 114 में बिकता, एग्री हो? 100 का सामान 14% फायदा यानी 114 में बिकता, एग्री? 19 से 5 बार, 19 से 6 बार, 5 से 20, 20 × 6 एमपी इज इक्वल्स टू 120, दिख रहा है? कह रहा है अगर 6 सही 2/3% का डिस्काउंट दे तो अब फायदा कितना होता, तो एसपी नया कितना आएगा आपके लिए, 120 वाले सामान पे 6 सही 2/3% का डिस्काउंट दे दोगे, 6 सही 2/3% 1/15 होता है यानी 15 पे 1 का डिस्काउंट दे दोगे यानी 14 में बेचोगे, किसके रिस्पेक्ट में, 15 के, 15 से 8, 14 × 8 = 112 यानी 100 वाला सामान 112 में बिकेगा, 12% प्रॉफिट, सही है? यहाँ पे आपने लास्ट में एक कॉन्सेप्ट किसका, रेशियो का यूज़ कर लिया है, 6 whole to 3% डिस्काउंट देना है यानी 1/15 का डिस्काउंट देना है यानी 15 पे 1 का डिस्काउंट देना है तो 14 में बेचना है, कितने वाला, 15 वाला, ये लिख दिया है। आप इसको यहाँ पे 6 whole to 3% इसकी वैल्यू निकाल के 120 से घटा के तब भी 112 ही पाओगे, 100 वाला सामान 112 यानी 12% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 4 लाया जाए कंप्यूटर जी, अभी मैं ये सब बता रहा हूँ आपको, इसके बाद हम सीधे DI पर चलेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बस उसी के लिए ये 1/1 सीक्वेंस से हम सब समझते चल रहे हैं और कनेक्ट करना सीख रहे हैं, सीपी को एमपी से, एमपी को एसपी से, सीपी को एसपी से कैसे कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली। हाँ, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट ये अक्सर ज़्यादातर तो बैंक में तो कम पूछा जाता है ये, लेकिन क्वेश्चन तो आपको दिखेगा ही हर जगह, लेकिन हमें आना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली बना दिया है कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इक्विवेलेंट अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आ जाए, टफ आ जाए तो कैसे करते हैं, तो समझिए जरा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए सबसे पहले तो एक चीज़ ये जान लीजिए आप कि अगर हमारा क्वेश्चन इजी होता, मैं कहूँ 20%, ध्यान से समझिए, 25% एंड 5% का एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताएं, फाइंड आउट इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ, उस क्वेश्चन को हम रोक करके थोड़ी देर ये समझ लें, फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ दिस, सही है? इनका एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, तो सबसे पहले इसको दो तरीके से, तीन तरीके से, चार तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं एक 100 से लेके करता, 100 पे पहला डिस्काउंट 20%, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब होता है अगर तीन डिस्काउंट देने की बजाय आपको एक डिस्काउंट दिया जाता तो वो कितना होता कि इनके बराबर हो, एग्री? 100 पे पहले 20% का तो 80 में 80 हो गया आर्टिकल, 100 प्रिंटेड था, 20% का डिस्काउंट दे दिया, 80 प्रिंटेड हो जाएगा। अब कंजीक्यूटिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कंजीक्यूटिव लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कंजीक्यूटिव का मतलब क्रमागत, क्रमागत का मतलब पहला देने के बाद फिर जो आएगा उस पर 25% देंगे, नहीं तो आप तीनों को डायरेक्टली जोड़ करके आंसर बोल देते, तीन की जगह एक, 20 25 5, कितना, 25 25 50%, वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमें कंजीक्यूटिव बोल रहा है, क्रमागत बोल रहा है। तो बताइए 80 पे 25% का बच्चों डिस्काउंट देंगे तो 80 का 25% 1/4 यानी 20, अगेन 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। 80 का 25% 25% इज 80, 25% ऑफ 80 इज 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 यानी 1/4 ऑफ 80, 1/4 20 होगा, 20 कम कर दोगे तो 60 बचेगा, ठीक है। फिर 5% का देना है, 60 का 10% कितना होता है बच्चों, 60 का 10% होता है 6, तो 5% 3 होगा, तो 3 कम करेंगे, यहाँ पे आपने 20 कम किया था, सही है, तो 3 कम कर दोगे तो कितना, 57। अब 100 वाला सामान आपका 57 में बिका तो ओवरऑल डिस्काउंट 43% था, एग्री? समझ में आया? पहला तरीका तो ये। दूसरा एक जो मेथड होता है उसको लोग नेट से करते हैं, नेट से कैसे करते हैं, -20 -25 और कंजीक्यूटिव, जिसको बोलते हैं कंजीक्यूटिव, तो -20 और -25 का कंजीक्यूटिव निकालेंगे तो -x + y + xy/100 होता है, तो एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ दिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -- का मल्टीप्लिकेशन +20 × 25/100, अब इन दोनों का जो भी आएगा -45 + 5 यानी कितना, -40। अब इस -40 का -5 के साथ निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, -40 - 5 और -- का मल्टीप्लिकेशन +40 × 5/100, ये भी देखिए -45 + 2 -43। बट ये जो है
हमारे लिए बहुत अच्छा मेथड नहीं होता है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यूज दे देगा तो हम इसमें परेशान होंगे। तो जो अगला मेथड होता है वो क्या होता है, आप इसको रेशियो से करें। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% इज योर 1/20/100, 1/5, 25% इज योर 1/4, 5% इज योर 1/20, एग्री? अब देखते हैं जरा, हम अगर उससे करते रेशियो से तो कैसे करते, 5 पे 1 का डिस्काउंट, यानी एमपी अगर मैं 5 रुपए लिखूं तो मेरे लिए एसपी 4 होता, 5 पे 1 का डिस्काउंट दे दिया, 4 पे 1 यानी 4 वाला 3 में, 20 पे 1 यानी 20 वाला 19 में, एग्री हो बच्चों? अभी देखो जो कट सकता है काट दो, 4 से 4 और ये 100 और ये 57, 100 वाला सामान 57 में सेल कर दिया तो कितना डिस्काउंट ओवरऑल आया, 43%। आई थिंक ये वाला इजी है, अगर आपको बस वैल्यूज लिखनी है और डायरेक्टली आंसर बोलना है, एग्री? तो अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ, ओरिजिनल क्वेश्चन कंप्यूटर जी थोड़ा सा दिखाया जाए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था हमारे लिए। अब देखिए, अब आपके लिए बहुत आसान है, एकदम ओरल है। 14 होल 2/7% कितना होता है, 1/7, कितना होता है, 1/7, आपको पता है 14 होल 2/7% इज योर 1/7, एग्री? यानी 7 वाला 6 में बेचोगे, सही है? एमपी अगर 7 है तो एसपी आपके लिए 6 होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, 22 होल 2/9%, 22 होल 2/9% इज योर 2/9, 9 पे 2 का डिस्काउंट यानी 9 वाला 7 पे। और अगला क्या लिखा हुआ है बच्चों, 6 होल 1/4%, 6 होल 1/4% इज योर 1/16, 6 चौको 24, 1 25/400, 25/400 का मतलब 1/16, 16 पे 1 का डिस्काउंट यानी 16 वाला 1 कम करके यानी 15 में बेचोगे, एग्री? जो कट सकता है काटना है, 7 से 7 गया, एग्री? 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 2 से 8 बार, 3 से 5 बार, क्या आया, 8 वाला 5 में बिक गया। 8 वाला कितने में बिक गया, 5 में। बताओ कितना छूट दिया है हमने बच्चों, 3 की किसके रिस्पेक्ट में, 8 के इंटू 100, सही है? 1/8 12.5% होता है, तो 3/8 37.5% होगा, और आप सॉल्व भी कर सकते हैं, एग्री हो बच्चों? तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही था, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। होप कि आपको इक्विवेलेंट निकालना भी सबका समझ में आ गया होगा, आप इससे निकालेंगे हमेशा इक्विवेलेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए कंप्यूटर जी। हाँ, अब ये थोड़ा क्वेश्चन आपके लेवल पे आना स्टार्ट हो गया है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा आंसर दे मुझे। 100 पीपल 20% का डिस्काउंट देता है एमपी में, और 1 आर्टिकल फ्री देता है 15 की खरीद पर, एंड ऑल्सो गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेजिंग एवरी 15 आर्टिकल। 20% डिस्काउंट देता है एमपी पर और 1 आर्टिकल फ्री देता है 15 की खरीद पे, इसके बावजूद उसे 5% का प्रॉफिट होता है, ऑल दो ही गेट्स 5% प्रॉफिट, देन एमपी इज इंक्रीज्ड बाई सीपी बाई व्हाट परसेंट। तो आपको बताना एमपी सीपी से कितने परसेंट बढ़ा के लिखा गया है, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है 20% का डिस्काउंट देने पे 20% का डिस्काउंट देता है, साथ ही 15 की खरीद पे 1 फ्री भी देता है, 2 डिस्काउंट दे रहा है, इसके बाद भी उसे 5% का फायदा होता है। आपसे पूछ रहा है एमपी इज इंक्रीज्ड बाय सीपी बाय व्हाट परसेंट, तो बताइए एमपी को सीपी से कितने परसेंट बढ़ा के लिखा गया है कि 2 डिस्काउंट देने के बाद भी हमें फायदा हो जा रहा है 5% का। तो क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो देखिए 2 डिस्काउंट दे रहा है, क्या कह रहा है, शॉपकीपर 20% का डिस्काउंट देता है एमपी पे, चलो देखते हैं जरा, 2 डिस्काउंट दे रहा है। अच्छा, आर्टिकल फ्री वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, आर्टिकल फ्री कॉन्सेप्ट ये क्या होता है बच्चों, आर्टिकल फ्री कॉन्सेप्ट, मैंने कहा 15 आर्टिकल पे 1 फ्री, तो मैं कहूं डिस्काउंट कितना है, मैं कहूं डिस्काउंट कितना है, तो शॉपकीपर ने तो पूरे 16 रखे होंगे ना अपने पास, 16 उठा के दे रहा है, तो 16 के रिस्पेक्ट में वो डिस्काउंट दे रहा है, कितने का, 1 फ्री में दे रहा है। तो उसके लिए आप अगर बात करो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1/16 का डिस्काउंट या परसेंट में चेंज करो तो इतने परसेंट का डिस्काउंट, एग्री? अगर आप कस्टमर के रिस्पेक्ट से बात करो तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 15 पे 1 का, उसके लिए अगर प्रॉफिट की बात करते तो 15 नीचे जाता कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों, क्योंकि उसने पे कितने के लिए किया है, 15 आर्टिकल के लिए पे किया है ना, 1 तो उसे फ्री में मिल गया, तो 15 नीचे लिखता वो, उसके लिए सीपी तो 15 का है और 1 फ्री में है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट 1/15 × 100 होता। बट शॉपकीपर के रिस्पेक्ट में बात करें तो शॉपकीपर के 16 आर्टिकल जा रहे हैं, तो 16 आर्टिकल जा रहे हैं तो वो 16 के रिस्पेक्ट में बात करेगा, फ्री कितना जा रहा है 1, तो इतना डिस्काउंट वो दे रहा है, ओके? तो 15, अब मैं कहूं अगर कि 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेजिंग 22 आर्टिकल
तो बताइए अगर 22 की खरीद पे 3 फ्री, तो बताइए कितना 22 की खरीद पे अगर 3 आर्टिकल्स फ्री हैं तो हम क्या करेंगे। 22 की खरीद पे अगर 3 फ्री हैं तो देखिए शॉपकीपर, डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, 22 और 3, शॉपकीपर के हाथ से 25 गया, उसने 25 खरीदे होंगे ना तभी तो दे रहा है, और 3 फ्री में दिया है तो देख लीजिए जरा इतने परसेंट डिस्काउंट देगा। ओके, तो होप कि ये आपको आर्टिकल फ्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शॉपकीपर 20% का डिस्काउंट देता है, 20% इज योर 1/5, एग्री, 20% इज योर 1/5, यानी एमपी अगर आपका 5 है तो एसपी 5 पे 1 की छूट, यानी 4 होगा, शायद इतना क्लियर है। अब कह रहा है 1 फ्री देता है ऑन 15, 1 फ्री ऑन 15, तो शॉपकीपर के रिस्पेक्ट में 15 एक 16 के रिस्पेक्ट में वो 1 फ्री देगा, यानी 16 की जगह 16 वाले 16 पे 1 फ्री, यानी 16 पे 1 का डिस्काउंट, यानी 16 की जगह 15 लेगा। एग्री, इतना तो क्लियर होगा। 5 से कितनी बार बच्चों, 3 बार, 4 से कितनी बार, 4 बार, यानी 4 वाला आपने 3 में सेल कर दिया, इतना क्लियर है। अब देखिए ओवरऑल आपको डिस्काउंट की, ओवरऑल मैं डिस्काउंट की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, 1 का डिस्काउंट किसके रिस्पेक्ट में, 4 के इंटू 100, यानी 25% आएगा, 1 का डिस्काउंट 4 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, यानी ओवरऑल डिस्काउंट 25% हो जाएगा आपका, 25%। ओके, ओवरऑल डिस्काउंट, आपको इसकी बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, ऐसे ही करना, ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 25%। अभी क्या कह रहा है आगे, तो 5% का फायदा होता है, 5% का क्या होता है, फायदा होता है, फायदा होता है 5% का जब वो 25% का डिस्काउंट देता है ओवरऑल, तो एमपी पे 25% का डिस्काउंट दे देगा तो कितने पे बेचेगा, 75% पे, और ये कितने पे बिक रहा है बताइए, 5% फायदे के साथ बिक रहा है, यानी 105 में बिक रहा है। एग्री हो, सही है, ही गेट्स 5% प्रॉफिट ना, तो 25 से 3, 25 से 4, 3 से 35, 140, एमपी की वैल्यू 140, यानी सीपी अगर 100 था तभी हमने 105 लिखा था एसपी को, सही है, तो 100 वाला 140 प्रिंटेड है, यानी 40% बढ़ा करके लिखा गया है, कितने परसेंट बढ़ा करके लिखा गया है, 40% बढ़ा करके लिखा गया है। यहां से आप एक तरीके से और कर सकते थे, यहां तो आपने कुछ परसेंट कुछ रेशियो को यूज किया, अब अगर आप डायरेक्टली करते तो देखिए यहां इतना तक आया था, आगे क्या कह रहा था, आगे कह रहा था 5% का प्रॉफिट हुआ, 5% इज योर 1/20, 5% इज योर 1/20, यानी 20 पर 1 का फायदा, यानी 20 वाला सामान कितने में, 21 में बिकेगा, 20 पे 1 का फायदा हुआ है, सही है। अच्छा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एसपी 21 है, ये एसपी ही तो है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी अब एमपी और सीपी पे कंपेयर होगा, तो 20 वाले को आपने 28 प्रिंट मार रखा है, 20 वाले को अगर 28 प्रिंट मार रखा है तो बच्चों कितना बढ़ा के प्रिंट मार रखा है, 8 रुपये, किसके रिस्पेक्ट में, 20 के इंटू 100 के, परसेंट में चेंज करें, देखिए ये भी आ गया 40%, तो या तो यहीं पे इंटू 5 कर देते, इंटू 5, और यहाँ पे इंटू 5, तो 28 इंटू 5 140, 100 वाला 140, यानी 40% ज़्यादा। तो इतना होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें ये क्वेश्चन कैसे करना है। अगला क्वेश्चन आप जरा बताएंगे, हाँ इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर दे आप लोग जरा जल्दी बोले, आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी का, जल्दी बोले फास्ट। एक लाइन दो लाइन का होता है, 14 होल 2/7% कितना होता है, 1/7, शॉपकीपर कितना डिस्काउंट दे रहा है, 1/7, यानी 7 पे 1 का डिस्काउंट दे रहा है, 7 वाला कितना प्रिंट मार रहा है, 6, यानी एमपी अगर 7 था तो एसपी आपका कितना हो गया, 6, सही है। ऑल्सो गिव्स 1 फ्री ऑन 21, यानी 22 की जगह 21, 22 वाला 21 में बेच रहा है, अरे ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा, 1/22 होगा ना, तो 22 पे 1 का डिस्काउंट, यानी 22 की जगह 21, सही है। ऑल्दो ही गेट्स 8% प्रॉफिट, तो इसको सॉल्व कर लो, 7 से कितनी बार, 3 बार, 3, 2 से 3 और 2 से 11, तो 11 की जगह कितना हो गया, 9, एमपी अगर 11 था तो एसपी 9 है। अब एक लाइन और देखते हैं, 8% का फायदा होता है, फायदा हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में होता है, तो 8% कितना होता है बच्चों, 8% 4 से 2 बार, 4 से 2/25, 8% कितना होता है, 2/25,
25, यानी 25 पे 2 का फायदा होता है, यानी अगर मैं बोलूं तो सीपी अगर आपका 25 है तो एसपी कितना होगा 27। अब देखिए जरा, एसपी यहां पे 9 है, यहां पे 27 है, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, एग्री। अब ये है आपके लिए ओरिजिनल एमपी और ये है ओरिजिनल सीपी। तो 25 वाला 33 प्रिंटेड है, कितना बढ़ा के प्रिंटेड है बच्चों, 25 से 33 ₹8 बढ़ा हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, 25 के इंटू 100, 25 से कितनी बार, 4 बार, 32% विल बी योर आंसर। तो होप के आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे लिए ये टाइप्स क्या हैं। और हम अब डीआई की बातें करने वाले हैं, तो डीआई की तरफ चलेंगे बच्चों नेक्स्ट सेशन में। होप के आपने आज वाले सेशन को बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा। जितने लोगों को थोड़ा बहुत अगर कुछ दिक्कत हुई हो तो वो फिर से एक बार वीडियो को देख लेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि आपको तरीके बहुत अच्छे लगेंगे। ओके, थैंक यू।